वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट वंस अगेन। मेरे साथ सायरा शाह मौजूद हैं और वीडियो को बहुत ज्यादा आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए और बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सायरा को वंस अगेन दिखाया जाए। सायरा के चैनल के ऊपर बहुत से लोगों ने जाके सब्सक्राइब किया, जो कि खुद ही बताएंगी सायरा को। एग्जैक्टली बिल्कुल, एचएसएन की तरफ से बहुत सारे इनके जो है आए हैं फैंस, मेरे पास भी आए हैं, सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने मुझे जो है इतना से सपोर्ट भी किया है और इसमें एक हसन भाई की भी जो है एफर्ट थी। और आज जो हम लोग मौजूद हैं वकार भाई के साथ, और सायरा से एक और रिक्वेस्ट है कि खाली सब्सक्राइब भी करवाना, वीडियोस भी डालनी है उसके ऊपर। हाँ, वो भी मैं सब्सक्राइबर चाहिए जा रहे हैं, व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, वीडियो कोई नहीं आई। नहीं, मैंने पूछा वीडियो नहीं डाली, बस वो टाइम नहीं मिला, तो ये रेगुलर अब आपने डालना है। फॉलोअर्स आपके फैंस बन गए ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या ब्रीड है ये सायरा हमें बताएंगे? अच्छा, ये वकार भाई के फार्म हाउस है, ये बहुत ही खूबसूरत ही इंडोनेशियन ब्रीड है, इंग्लिश एंगोरा है। और ये दो तरह की हमारे पास इस टाइम वेरायटी है आपके सामने, ग्रे और व्हाइट कलर में। ये इंपोर्ट के पीस हैं, ये लोकल पीस नहीं है, ठीक है? मैं आपको बताता चलूं और आप बोलती जाए, मैं इनको दिखाता हूँ। ये व्हाइट कलर है और फुल फेस है। आप इसकी अगर आपको थोड़ी सी आईज अगर नजर आ जाए, यहाँ पे रेड कलर की इनकी प्योर आईज है। अभी थोड़ा सा ये हेजिटेशन फील कर रहा है क्योंकि इसको आगे पकड़ा है, आपको थोड़ा बहुत इसका ये नजर आ रहा होगा साइड से। ये देखें जो व्हाइट कलर के अंदर है, ये रेड आईज है, और ये जो स्मोक ग्रे के अंदर कलर है इसमें ब्लैक आईज है, ठीक है? और ये देखने में आपको तकरीबन 5-5, 6-6 किलो के लग रहे होंगे, जबकि 1.5-1.5 किलो वजन भी नहीं होना इनके। इनकी वूल की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें जी, ये वूल की क्वालिटी है। अच्छा, और यहाँ तक ये वूल आ रही है, देखें बहुत बड़ी वूल है, एक्सट्रीम लेवल की वूल है। और ये क्वालिटी जो है मैंने देखी थी, पहले भी वकार भाई के पास आए थे लेकिन वो उससे थोड़े से हल्के थे, ये उनसे बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो वकार भाई 2 मिनट के लिए यहाँ पे आके थोड़ा बहुत इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो वकार भाई आए जरा प्लीज। जी वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। असल में क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। ये हमारी इंडोनेशिया से फ्रेश इंपोर्ट आई है, और जैसे कि आप दोनों इनको बड़े अच्छे तरीके से बताया सबको, ये रिसेंटली इंपोर्ट है जो कि हमने इंडोनेशिया से की है। इस जो रैबिट है इंग्लिश अंगोरा, इसकी जो पर्पज है वो है वूल की प्रोडक्शन, और इसके ऊपर टॉप क्वालिटी की वूल है। इसकी माशाल्लाह 4 से 5 इंचेस तक वूल है, और ये जितने भी रैबिट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट किए हैं, ये सारी पेडिग्रीज हैं। इनके जो बाप दादा हैं वो टोटल कहीं ना कहीं दुनिया में 100 विनर्स हैं, और इनके कानों के अंदर टैटूज हैं, क्लोजअप करके दिखा सकता हूं। और इन्हीं कानों के टैटूज के ऊपर इनके पेडिग्री पेपर्स बनते हैं, ये देखिएगा, देखें कैमरे में ठीक आ रहा है वकार भाई? जी जी, ये देखिए पेडिग्री पेपर इनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, पेपर बनने भी इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं, ठीक है? असल में जरा क्लोज कीजिएगा, ये देखें जी, ये नजर आ रहा है 19C। जी जी, ये जो है ये पेडिग्री पेपर्स के साथ है सारे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफी सारे ऐसे, लेकिन आपकी मुसरफी की वजह से काफी सारे मैंने सेल कर दिए, लेकिन अभी जो मौजूद है वो भी अच्छे खासे हैं, वो मैं सारे आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। जी, तो रैबिट यहाँ से चेंज कर दी गई जी। सायरा, आपके हाथ में क्या चीज़ है अभी? अच्छा, मेरे पास है ये इंग्लिश अंगोरा में कैटेगरी है, मंकी फेस है। आप इसको अगर देख रहे हैं सामने से, तो कैमरे में नजर आएगा, फुल इसका मंकी फेस ही नजर आ रहा है, ऐसे फील होता है जैसे मंकी, लेकिन एक्चुअली ये रैबिट्स हैं लेकिन ये मंकी फेस में, इसका फ्रंट जो है मंकी जैसे, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। जी वकार भाई, आपके हाथ में क्या? इसके साथ साथ ये व्हाइट कलर में देखिएगा, ये न्यू रैबिट है। इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसका फुल फेस नहीं है, जो पहले आपने व्हाइट कलर देखा वो फुल फेस था, मतलब वो नजर नहीं आ रही, उसके बालों की क्वालिटी इस तरह की थी कि इसका नाक और चेहरा उसको नजर नहीं आता, इसमें आपको चेहरा नजर आएगा इसका, इसको टी फेस बोलते हैं। ये टोटल टर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती हैं और जिनको हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया है। और ये रैबिट्स काफी महंगे हैं, ये लाखों वाले हैं, ये हजारों वाले नहीं है। और पहली तो बात यह है कि मैं आपको बता दूं, सेकेंडली इसका स्टॉक बहुत लिमिटेड है, ये मुख्तसर से कम से रैबिट्स हैं जो कि लिमिटेड लोग ही ले सकते हैं। इनके बच्चों की बुकिंग इंशाल्लाह हम करेंगे प्रॉपरली, वो उनकी जो प्राइस होगी वो हजारों में कोर्स की जाएंगे। ये तो आपको दिखा दिए, नेक्स्ट बार भाई एक मैं चीज चाहता हूँ, इसके कान जरा दिखाएं क्योंकि नजर नहीं आ रहा, तो क्वालिटी का आप भी सारा कान दिखाएंगे। देखिए इसके कान ये बेंड करके रखते हैं, जब ये थोड़ा डर जाते हैं, ये फील कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, ये देखें जी, ये जो कान है ना इनके, इनके कानों के ऊपर भी उतनी वूल है जितनी इनकी बॉडी के ऊपर, ये भी टैटू पीस है। जी बिल्कुल, ये सारे के सारे टैटूज हैं। तो सायरा के हाथ में भी टैटू पीस है, सब के सब जो है वो टैटू पेडिग्री रैबिट्स हैं, इनमें कोई भी नॉन पेडिग्री नॉन टैटू नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी। अच्छा, तो वकार भाई ने जो आपको वैरायटी दिखाई उसके बाद एक ये दिखाते हैं, ये फुल फेस के अंदर रैबिट है ये, और कानों के ऊपर इसके वूल देख सकते हैं, थोड़ी सी उतार के दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, वूल की लेंथ ये है। और बेसिकली अंगूरा जो है वो वूल के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर, तो वूल के अंदर अभी तक मैंने इस क्वालिटी के अंदर नहीं देखे हैं। ये जी कानों के ऊपर इसके देख सकते हैं, और ये सायरा के हाथ में, सायरा आप दिखाएं जरा। मेरे पास है ये इंग्लिश अंगूरा की फीमेल है मंकी फेस में, और इसके भी जो है आप बालों के ऊपर जो कान पर बाल देखें, ये क्वालिटी चेक करें, ये कानों के ऊपर इसके चेक करें क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी चेक करें,
मतलब आपकी उंगलियां अंदर धंस जाती हैं इतनी ज्यादा इसकी फर है। किस्म का भी जो है ना, किसी किस्म का भी जो है ना इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मतलब क्वालिटी में कमी नहीं है किसी किस्म की, बिल्कुल प्योरिटी के अंदर आप लोगों को चीज मिलेगी। और आप लोग खुद फॉर्म पे आके विजिट करना चाहें तो कभी खुद भी आ सकते हैं जी, बिल्कुल। इसका एड्रेस भी मैं गाइड कर दूंगा, ये मैंने नया फॉर्म बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी एस्टेब्लिश हो रहा है माशाल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केजीज वगैरह कंप्लीट हो गए और इसकी जगह मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए आप लोग पीछे देख सकते हैं, मैं थोड़ा इस तरफ होता हूँ तो ये देखिए पीछे ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है प्रॉपर। इसी तरह ही जो है इधर भी है फॉर्म, इसकी बैक साइड पे भी है, ठीक है। तो काफी अच्छा फॉर्म बना और काफी मजेदार बना है ये, मतलब आप लोगों को आने का यहाँ पे विजिट करने का भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और कॉन्टेक्ट नंबर वकार भाई का जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सायरा के चैनल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन। सायरा अपने चैनल के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। मेरे चैनल के बारे में ये है कि उसमें आपको कुकिंग वगैरह की जो है रेसिपीज मिलती हैं। आजकल हसन भाई के साथ जो है ये जानवरों के अभी कुछ पकाया तो नहीं जिम्मा करके तो मुर्गियां तो अभी वही आपको देसी जिंदा ही नजर आएंगी, तो इंशाल्लाह आपको देसी मुर्गा मैं अपने घर का जिम्मा किया वही पका के भी कहूंगी किस तरह पकता है देसी मुर्गा। हो गया तो अपने चैनल का नाम बताएं टेस्टी फूड विद सायरा, आप जाएं उसको सब्सक्राइब करें, ऐसे मैं लिंक डाउन आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट में चैनल के यहाँ पे कहीं करके ना चैनल के लोगो आ रहा होगा, वहां से आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो वकार भाई आते हैं, वकार भाई अब हमें अगली ब्रीड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जी। सर आपके हाथ में कौन सी ब्रीड है इस टाइम? इंग्लिश अंगूरा ही है और ये सेकंड कलर में है और जबरदस्त किस्म के कलर है वकार भाई के पास। हर जो आपके पास पेयर नजर आएगा या जो भी आपके पास आगे नहीं जो पीस आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, खूबसूरत कलर हैं सारे। इनके कान थोड़े से आगे करें जरा, इनकी भी क्वालिटी पता चले। ये टी अपने ना कानों को ऐसे आगे फेंक लेते हैं और अभी हम तीनों से डर रहे हैं, मतलब पहली बार आए ना पंजाबियों के हाथ में आ गए हैं अब ये, तो अभी डरे हुए हैं। वकार भाई आप बताएं यार जी, ये मेरे पास जो है ये फॉर्म कलर में फीमेल है अल्हम्दुलिल्लाह, फुली मंकी फेस में। इसके आप नोज देखें आपको डिफरेंट नजर आएगा बिल्कुल, जो उसका फेस है स्ट्रक्चर है और उसके जो कान है। अब जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में जाएगा ना अपने तो ये पूरा मंकी की तरह एक डिस्प्ले देता है आपको जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 8 से 10 न्यू कलर है जो कि पाकिस्तान में पहले किसी के पास नहीं है, ठीक है। व्हाइट के अलावा 8 से 10 कलर है जिसमें सेटिन है, गोल्डन है, फॉन है और ब्लैक है, ग्रे है और ब्रोकन कलर में हमारे पास 2 रैबिट मौजूद है। इन सारों से जो है पेडिग्री पेपर भी हमारे पास मौजूद है और टोटल अल्हम्दुलिल्लाह जितने रैबिट्स हैं सबके सब टैटू वाले हैं। टैटूज में आपको 1 by 1 लेके दिखा भी रहा हूँ और नेक्स्ट भी दिखाता हूँ जो हमारे पास मौजूद है। ये देखिएगा इसके कान में भी बिल्कुल निशान है और ये जो हाथ में है दोनों के कान जी बिल्कुल। ये अब दो के अलावा मैं आपको सेकंड जो है ब्रीड वो भी दिखाता हूँ। अगली वैरायटी हम आप लोगों को दिखाते हैं, अगली वैरायटी जी अभी। अच्छा जी, ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं इंग्लिश अंगूरा की ही कैटेगरीज हैं और वकार भाई जो है ये आपको बताएंगे कि इसमें फर्दर क्या है, इनके रेट वगैरह और ये क्या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको बता सकते हैं जी। ये हमारे पास सेकंड वैरायटी है इंग्लिश अंगूरा के अंदर। पहले जो आपको मैंने सारी कैटेगरीज दिखाई हैं वो सारी की सारी क्रॉस लाइन बहुत ह्यूज बालों के ऊपर थी, उनका फेस फुल 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 फेस थे। ये जो है ये टी शेप में है, जैसे कि इनके फेस में बाल देख रहे हैं, इनके कानों में भी बाल हैं, इनके कान आगे से फोल्ड भी हैं, टर्न भी हैं, लेकिन इनकी जो फेस के ऊपर थोड़े से बाल हैं वो थोड़े से कम है, आपको थोड़ी सी आंखें इनकी प्रोमिनेंट नजर आएंगी। ये एक और कैटेगरी है जो इसकी जो प्राइस रेंज है वो उनसे थोड़ी सी कम है। इसके अंदर भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह को 7 से 8 कलर्स मौजूद हैं। इसको इम्पोर्ट करने का मकसद ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है पाकिस्तान का वो इसको और उस वैरायटी को अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के लिए सूटेबल है, इसलिए ये दोनों चीज़ें हमने इम्पोर्ट की हैं ताकि जो लोग वो पसंद करते हैं वो रख सकें और जो लोग ये पसंद करते हैं ये लोग रख सकते हैं। इसके अलावा अंगूरा के अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है? रेक्स मौजूद हैं, हॉलैंड लोक मौजूद हैं, टेडी बियर ड्राफ्ट मौजूद हैं, न्यूजीलैंड है, चेकर्ड है, मैं आपको सारे 1 by 1 देकर दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, ये मेरे पास आप जो देख रहे हैं खूबसूरत से छोटे छोटे टाइनी से रैबिट्स हैं, ये इनको दुनिया के छोटे रैबिट कंसिडर किया जाता है। कैलिफोर्नियन के जो है कलर है और नीदरलैंड ड्राफ हैं ये। कैलिफोर्नियन को इसलिए बोला जाता है कि इनके जो पॉज हैं वो छोटे रेड कलर में होते हैं, की आईज इनकी जो ईयर्स हैं ये छोटे होते हैं रेड कलर में आपको मिलते हैं। ये सेम पॉइंट से आते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कलर जो है ना इस कलर को बोला जाता है कैलिफोर्नियन, लाइक ये देखिए ये जो इसमें थोड़ा बड़ा साइज भी होगा उसी कलर को यही बोला जाएगा, मतलब इसके कान चारों पंजे जो है एक कलर की होंगे, जो का फ्रंट है ना ये होगा उस कलर का और रेड आईज होंगे, ठीक है जी। इसके बारे में सारा बताएं। अच्छा जी, ये रेक्स ये तो आप ही बता दें इसका। अच्छा जी, ये रेक्स ब्रीड है, इसको मैं स्पेशली क्यों पकाया आपको पता है, मेरी फेवरेट ब्रीड है और बिल्कुल ये ब्लैंकेट है। अभी तो सर्दियां चली गई है फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल जो एक ब्लैंकेट नहीं होता सेम उसी तरह का, इसमें साइज आते हैं डिफरेंट साइज आते हैं और साइजेस के बारे में जो ना वकार भाई बताएंगे हम लोगों को यहाँ पर आते हैं। ये रेक्स रैबिट है, मिनी रेक्स,
ये टाइगर कलर में है और इसके ऊपर जो इसकी खसूसियत है वो ये है इसकी स्किन, इसकी जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह होती है, जैसे कि असल मैंने भी आपको बताया। और ये जो हमारे पास दूसरी ब्रीड है ये है कैलिफोर्निया में नेदरलैंड ड्राफ, ये दुनिया के छोटे रैबिट्स में इनका शुमार होता है। ये अडल्ट है और ये फुली साइज है, फुली ग्रोन है ये, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमारे पास कम्प्लीट पेयर है और ये हमारे पास फीमेल एक्स्ट्रा है जी। नेक्स्ट ब्रीड की तरफ से नहीं, आपको एक और ब्रीड से मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिसके बाद में सायरा आपको बताएंगी, ठीक है जी। सायरा बताएं प्लीज। अच्छा जी, मेरे हाथ में आपको एक खूबसूरत सा रैबिट नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली पेट हैं और हॉलैंड के लॉक्स हैं और इनकी निशानी ये है कि ये इनके दुकान है कि नीचे की तरफ होते हैं, दूसरों की तरह ऊपर की तरफ नहीं होते, और ये पेट के तौर पर आप रख सकते हैं। खूबसूरत कलर है इनका भी, आप मल्टी कॉटेड है ये देख सकते हैं, इसमें व्हाइट कलर भी है और लाइट गोल्डन और ब्लैक कलर भी है, तो ये खूबसूरत से पेट जो है रैबिट आपके बन को काफी जो है ना खूबसूरत चीज है माशाल्लाह। कानों की जो पोजीशन है बिल्कुल नीचे वाली है, बकरियों की तरह के कान है, के देखें यहाँ पे भी देखें बिल्कुल बकरियों जैसे कान है। और वेट भी इनका अच्छा है, वेट अच्छा है, मीट भी उसका मतलब ज्यादा ब्रीड करवाएगा मीट के तौर पर यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ये इम्पोर्टेड पीस है, सबसे सब जो इम्पोर्ट के हैं ये लोकल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्रीड दिखाते हैं। अच्छा जी, ये आप अभी देख रहे हैं इतना बड़ा सा रैबिट है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने बचपन में रैबिट देखे हैं, रखे भी थे घर पे पेट के तौर पे, लेकिन इतना लंबा आप देख रहे हैं, पूरी टेबल पे अकेला अकेला बैठा हुआ था। असल में ये बताएं ये क्या चीज़ है? ये भी फ्लेमिंग जॉइंट है रैबिट, ठीक है, और ये 12 किलो अपना वजन करता है, अभी ये बच्चे हैं। और इसकी हमने बहुत सी पहले भी वीडियो बना दी है वकार भाई के फार्म पे जाके, जो मांगा मंडी के फार्म है वो वाली वीडियोज आप जाके देख सकते हैं। वो एक्सट्रीम साइज के रैबिट्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, ये इंपोर्ट का रैबिट है और ये मीट पर्पस के लिए यूज होता है। ज्यादा जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके अलावा वो कार भाई आपको देते हैं। जी हसन भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो रैबिट है ये फ्लेमिश जाइंट है, ठीक है, ये मीट पर्पस के लिए यूज होता है और ये ब्रोकन कलर में हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये एक्चुअल जो इसका वेट है वो 12 से 14 किलो तक ये गेन करता है, लेकिन अभी ये बच्चा हमने खुद पाला है, अभी जो इसका लाइव वेट है वो तकरीबन 7 से 8 किलो, जो हमारे पास लास्ट टाइम आई थी उनका साइज बहुत बड़ा था, एक्सट्रीम साइज। ये भी इंशाल्लाह उस लेवल को टच करेगा क्योंकि उन्हीं पेरेंट्स में से एक। और लोग देख के पूछते थे क्या चीज है। जी बिल्कुल, इसमें से हमारे पास जो जिबा करने के बाद गोश्त निकला है वो हसन भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 11 किलो तक हमने लाइव जो साफ गोश्त है वो हासिल किया था। छोटा बकरा है पूरा। आप लोगों को मैं बताता चलूंगा, जब ये आए थे मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं आधा घंटा बैठ के देखता ही रहा था इनको कि यार इतने बड़े रैबिट्स भी हो सकते हैं, पर अभी ये बच्चे हैं ये फुल साइज में नहीं अपने, ठीक है। और इंशाल्लाह ये भी हमारी पूरी कोशिश है कि ये उस ब्रीड को टच करेगा जी इंशाल्लाह। ब्रीड को बताता हूं, खैर आपके हाथ में क्या? ये हॉलिस्टर ब्रीड है और ये मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे कलर है इसका, खूबसूरत कलर है और जो मतलब इसकी फर भी बहुत अच्छी सॉफ्ट है, इसकी स्किन भी उस तरह से खुदरी पीली हो, तो मतलब ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे एज ए पेट के तौर पे भी रख सकते हैं जी। इसके बारे में बताऊंगा कि ये एक बहुत ह्यूज साइज होता है जिसको आप केजेस में कैरी नहीं कर सकते मोस्टली, ठीक है। तो जो वो वाले रैबिट्स हैं होली सर, ये 4 से 5 केजी तक मैक्सिमम वेट गेन करते हैं और इनका ये फायदा होता है कि ये आप इजीली केज के अंदर इसको ब्रीड करवा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये आप घर में कहीं भी रख सकते हैं और इसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ये भी मीट पर्पज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ब्रीड की तरफ चलते हैं जी। सायरा आपके हाथ में कौन सी ब्रीड है? अच्छा इस टाइम जो है ये डच ब्रीड है और बहुत ही खूबसूरत 3 यूनिक कलर्स हैं, आप इनकी देख सकते हैं, इनके फेस का तीनों का जो है व्हाइट, जितना व्हाइट है इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, ब्लैक एंड ब्राउन एंड फोन कलर। तो इनकी खासियत देखें हसन भाई, बताएं आगे फर्दर क्या है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे देखें जो इसके डिजाइन यहाँ पे बना आ रहा है ना, जो बॉर्डर यहाँ पे और जो बॉर्डर यहाँ पे है, इससे यहाँ पर कोई निशान नहीं आएगा, कोई दाग यहाँ पे नहीं आएगा। आप इसको भी देखते हैं सायरा, जरा उसको इस तरफ करें आप, ये देखें उसका भी सेम है। एग्जाम्पल है कि इसके पीछे वाला पंजे है, इसके पीछे वाले पंजे के यहाँ तक खाली निशान है व्हाइट, तो उसके भी वहां पर तक ही है, ठीक है। तो सेम कलर्स में आएगा, पहले नंबर पे 4 से 5 किलो तक वजन करता है, मीट पर्पस में भी आ सकता है, दूसरे नंबर पे डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज हो सकता है, मतलब इतने खूबसूरत है ये, पेट के तौर पे रख सकते हैं, वेट अच्छा गेन करते हैं, ब्रीडिंग फास्ट करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पीस है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, इसके लिए बताते हैं आप रब्ता कर सकते हैं। आज की उम्मीद है कि आपको वैरायटी बहुत अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सारा आपके चैनल, मेरा चैनल आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, आप नीचे करो वहाँ पे लिंक, यहाँ पे लिंक आएगा, आपने उसको क्लिक करना है और टेस्ट को सारा को जाके आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट मेरा ये आ रहा है ये यहाँ पर आके इसको सब्सक्राइब करो, दोनों को सब्सक्राइब। ये नहीं करना कि मतलब मेरी वीडियो छोड़ के इसकी देखने चले जाओ, पहले देखना उसके बाद जाके इसकी भी देख लेना, ठीक है। ओके जी, बकार भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना।